ये आए हैं बिहार से ब्रेकफास्ट करने के लिए, ये आए हैं बंगाल से ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैं उड़ीसा से कटक। पहले वो बंद करो नहीं तो कॉपीराइट आएगा। ईशा फीस अभी भी इधर मिल रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड इवनिंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी जस्ट छुट्टी हुआ है, अभी 8:02 बाकी है। जस्ट अभी छुट्टी हुआ है, चिकन लिया है। आज मैं घर जाके बनाऊंगी चिकन कोशा, राइस बनाऊंगी और चपाती सुमित लेके आएंगे होटल से, हो जाएगा आज का। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं जो चिकन बनाऊंगी आपके साथ, चिकन रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और इन दिनों बहुत गर्मी पड़ा है, बहुत गर्मी, इतना गर्मी मैंने छिदवाया ना, इसको ही मारता है, और कुछ काम धंधा नहीं, इसको ही मारता है, खुद खाना खिलाता है खुद मारता है। देखो देखना नहीं तो टपका जाओगे। बहुत गर्मी लग रहा है अभी, नहीं 8:00, चलो बात करते करते 8 भी बज गया है। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय कीजिए आज का ब्लॉग। और आज है 29 अप्रैल, ना अप्रैल चल रहा है ना, मैं भूल भी गई, 29 अप्रैल। और मेरे रूम के सामने ना ये बन रहा है, तो इतना डस्ट उड़ता है रूम के अंदर, क्या बताऊं। दरवाजा खोल के रखूंगी तो पूरा बेडरूम मेरा डस्ट से भर जाता है। और हमको उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, अभी सब कुछ इधर ही मिलेगा, चिकन मटन फिश सब मिलेगा, सब जो मांगेगा वही मिलता है, सब मिलेगा। नीचे आएंगे, चिकन चलो पार्सल, मटन चलो पार्सल, सोना पार्सल, रिपो पार्सल। देखो फिर से मार दिया। तो चलिए फिर मैं घर जाके फ्रेश होकर फिर आपसे मिलती हूँ चिकन रेसिपी के साथ। ओके चलो बाय। फ्रेंड मैंने इधर चिकन को मैरिनेट करके रख लिया, तो देखिए चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है अदरक लहसुन हरी मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ग्रीन चिली भी थोड़ा सा पेस्ट करके दिया है ग्राइंडर में। तो मैरिनेट करके मैंने रख दिया है इधर, अभी 10-15 मिनट हो गया है, लेकिन अभी और 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी, 1 घंटे के बाद इसको फ्री फ्राई करूंगी, ऑनियन को फ्राई करूंगी, उसके बाद कैप्सिकम, उसके बाद जाकर इसको ऑयल में देकर बनाऊंगी। और इधर मैंने चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर में राइस जो बन रहा है अभी, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। उधर तो राइस बन रहा है मेरा, तब तक देखिए बाहर का नजारा। नाइट में ना ये नजारा बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अभी भी सुमित ऑफिस में ही है, आया नहीं है। राइस मेरा बन चुका है, सीटी भी मार दिया मैंने, 3 सीटी लगाया और राइस बन चुका है। अभी मैं बनाऊंगी चिकन। ये देखिए मेरा चिकन भी मैरिनेट करके रख दिया है। ये एक ही रूम है, एक्चुअली मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ नहीं तो नॉइज बहुत आएगा। अभी मैं इसमें दूंगी मस्टर्ड ऑयल, आप ना थोड़ा सा नजदीक आ जाइए तो स्टेप बाय स्टेप दिखा पाऊंगी। फ्रेंड जब मैं चिकन को मैरिनेट किया था उस टाइम पे भी मस्टर्ड ऑयल दिया था, अभी कढ़ाई में फिर से मस्टर्ड ऑयल दे दिया है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा, ऑनियन को फ्राई कर लूंगी, नहीं सबसे पहले कैप्सिकम जो है उसको फ्राई करके उठा के रख लूंगी। और ऐसे खाना बनाते वक्त सामने रास्ते का व्यू दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। आई होप देख पाएंगे आप, नहीं देख पा रहे शायद, इधर से देख रहे हैं, ये देखिए ना दिख रहा है। तो खाना बनाते बनाते ऐसे नजारा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड ऑयल तो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है,
और बहुत गर्मी लग रहा है मुझे। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी जो कैप्सिकम है इसको हल्का सा सैलो फ्राई करके उठा के रख लूंगी। ये जो ऑयल छटक के आता है ना, चटका लगता है, बाप रे क्या बताऊं, इसलिए मुझे डर के मारे में खाना नहीं बना। तो मेरा फेस कैसे रेड रेड दिख रहा है ना, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है। पता नहीं ऐसे क्यों दिख रहा है मेरे फेस। अभी कैप्सिकम को फ्राई करके उठा के रख लिया है, अभी ऑनियन को फ्राई कर लूंगी। देखिए फ्रेंड, ऑनियन का कलर चेंज हो गया है। तो अभी ना और थोड़ा सा हल्का सा सैलो फ्राई करने के बाद मैरिनेट करके जो चिकन रखा हुआ है एक घंटे से, उसको मैं इसमें डाल के भूनूंगी, अच्छे से भूनूंगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए मसाला से, तब तक मैं भूनूंगी। तो चलिए मैं अभी चिकन को इसमें दे देती हूँ। ऑनियन हल्का सा फ्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। देखिए भूनते भूनते मसाला से ऑयल छूटने लगा है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। ये देखिए साइड से, देखिए आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखा ऑयल निकलने लगा है। और अभी मैं इस टाइम पे क्या करूँगी, जो कैप्सिकम फ्राई करके रखा हुआ था ना फ्रेंड, उसको ऐड कर दूँगी। ये रहा, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया था और चिकन को बस भूनते भूनते फिर से पानी निकला। तो देखिए अभी इसको कुक होने के लिए धीमी आंच पे छोड़ दूंगी, एकदम ग्रेवी ग्रेवी सा रखूंगी ठीक जैसा। तो उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ जब चिकन बन जाता है उसके बाद, ठीक है। इसको फ्लेम को धीमी करके इसका ढक्कन लगा दिया, अभी इसको कुक होने देते हैं धीमी धीमी से। देखिए फ्रेंड, थाली में मैंने डिनर निकल लिया है, चिकन लेग पीस और ये गाजर और ऑनियन। सुमित का भी निकाल लिया है। चिकन तो वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है, अभी नमक का स्वाद तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो फ्रेंड चलिए मैं डिनर करके फिर आपसे रिव्यू, मतलब मैं आपको रिव्यू देती हूँ मैं आपसे रिव्यू लेती हूँ ऐसा बोला मैंने। चलो मैं लंच सॉरी डिनर कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, देखिए सुबह का नजारा कितना सुंदर है एकदम। और आज देखिए होटल पूरा फुल लगा हुआ है। अभी सुबह का 9:30 बज रहे हैं, मैं रेडी होकर निकल रही हूँ। देखो पूरा फुल एकदम। यदि तुम हुआ तो मेरे को करना पड़ा मेरे ये नहीं होता, मेरे को करना पड़ता है। और प्लीज मैं टूटा फूटा घर के अंदर रहती हूँ, कुछ सोचिए मत। आज आसमान का व्यू देखिए, वाओ कॉटन कैंडी लग रहा है, सुंदर रास्ता फिर। आज है संडे और कल का चिकन का रिव्यू दूं, चिकन एकदम अच्छा नहीं बना, एकदम सॉल्ट ज्यादा हो गया था। तो सुमित उसको बोला आलू डाल दो फिर उसका सॉल्ट कम हो जाएगा, लेकिन आलू डाला फिर भी सॉल्ट कम नहीं हुआ, वो खा नहीं पाई, इतना गंदा बना है। क्या बोला क्या बताऊं, बोलाऊं क्या बोलूं। तो
चलिए फ्रेंड, आज है संडे, संडे के दिन होटल एकदम फुल है, तो बिजी भी है। आज वेडिंग भी है, रिंग सेरेमनी है, बस उसी का काम चल रहा है।